हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी तो अगर आप भी इस तरह का गाउन बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपका कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो गाउन की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ये मेन फैब्रिक लिया है चार मीटर और इसी के साथ अस्तर लिया है मैंने तीन मीटर और सबसे पहले हम गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे क्योंकि अस्तर हमारे पास तीन मीटर ही है और जितना फैब्रिक फिर उससे बचेगा फिर उससे बॉर्डर्स पार्ट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बॉटम पार्ट की कटिंग अस्तर में करेंगे तो अस्तर को मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है देखिए ये लेंथ है अस्तर की यानी कि लंबाई है तीन मीटर और यहाँ पे मैंने इसे लेंथ वाइज एक फोल्ड करके रखा हुआ है यहाँ से फोल्डेड साइड है यहाँ से ओपन साइड है देखिए और ये वर्थ है कपड़े की यानी कि अर्ज है अर्ज यहाँ पे इसका है एक मीटर देखिए यहाँ से ये यह फोल्डेड वाली साइड है तो यहाँ पे हमें कोई भी फोल्डेड वाली साइड को पकड़ते हुए इसे ट्रायंगल शेप में रखना है तो किसी भी साइड वाली फोल्डेड साइड को आप पकड़ सकते हैं मैं यहाँ पे ये यह वाली फोल्डेड वाली साइड को पकड़ते हुए इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख रही हूँ ये देखिए इस तरह से तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे ट्रायंगल शेप में रख लिया है और यहाँ से देखिए दो फोल्डेड वाली साइड है और दो ओपन साइड है यहाँ पे और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है तो इस वाले पार्ट को मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ तो देखिए अब हमें यहाँ पे इंच टेप को इस तरह से तिरछे में रखते हुए कमर के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर आ रही है उसको आप चार से डिवाइड करें और जितना भी आए उसमें एक इंच का मार्जिन ऐड कर दें तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में कमर है अट्ठाइस इंच और अट्ठाइस को हम चार से डिवाइड करेंगे तो आएगा सात इंच और सात इंच में हम एक इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए तो यहाँ पे हम इस तरह से आठ इंच पे एक निशान लगाएंगे देखिए तो यहाँ पे मैंने आठ इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है अब यहाँ ऊपर से हमें इस निशान को मेज़र कर लेना है तो ये हमारा आ रहा है साढ़े इंच तो हमें यहाँ पर ऊपर से हर साढ़े इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से और इस निशान को यहाँ राउंड में मिला लेना है ये देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए अब इस निशान को हमें मिला लेना है ये देखिए इस तरह से और अब हमें इस निशान से नीचे को गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है यानी कि कमर से नीचे को आपको जितनी भी लेंथ चाहिए अपने गाउन की आप उत्ते पे निशान लगा सकते हैं तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में गाउन की जो फुल लेंथ है वो है फिफ्टी सिक्स इंच यानी कि छप्पन इंच और छप्पन में से हम साढ़े तेरह इंच माइनस कर देंगे क्योंकि साढ़े तेरह इंच का हमारा ऊपर का बॉडीज पार्ट बनेगा तो छप्पन में से हम साढ़े तेरह इंच माइनस करेंगे तो आएगा साढ़े बयालीस इंच और उसमें हम एक इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे से पीको होने में जाएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ ऊपर कमर से लेकर नीचे को हमें यहाँ पे फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव इंच पे निशान लगा लेना है देखिए यहाँ कमर से पूरे में हमें राउंड में इस तरह से फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव इंच पे निशान लगाना है ये देखिए इस तरह से और यहाँ पे हम इसे पूरे को इसी तरह से राउंड में मिला लेंगे ये देखिए मैंने इसे मिला लिया है और यहाँ पे देखिए अस्तर वाले फैब्रिक में हमारे पास कपड़ा थोड़ा सा कम बच रहा है तो यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे वो किस तरह से वो मैं आपको बाद में बताऊँगी तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ कमर में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट करना है तो देखिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच पे निशान लगा दिया है अब हम इसे पूरे को कट कर लेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है अब यहाँ पे हमारा ये जोड़ लगेगा तो बचे हुए फैब्रिक को हमें इस तरह से पकड़ते हुए जो इसके स्ट्रेट वाली साइड है इसके ऊपर इस तरह से रख लेनी है ये देखिए इस तरह से और यहाँ पे हमें आधा इंच फैब्रिक को ऊपर को रखना है क्योंकि ये हमारे दो पीस अलग अलग हैं इसे हमें ज्वाइन करने में भी मार्जिन लगेगा तो यहाँ पर हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे आधा इंच ये देखिए फैब्रिक को मैंने यहाँ ऊपर इसके ऊपर रखा हुआ है और इसमें भी हमने पूरे में राउंड में निशान लगा दिया है अब इसे भी हम कट कर लेंगे देखिए तो देखिए इसे मैंने कट कर लिया है अब यहाँ पे जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है इसे हम साइड में रख लेंगे इससे हमें बॉडीज पार्ट निकालना है और यहाँ पे जो मैंने दो पीस लगाए हुए हैं देखिए इसे हमें इसके साथ अटैच कर लेना है तो चलिए इसे मैं अटैच कर लेती हूँ तो ये यह देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया है और ये हमारा बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ जॉइन भी हो गया है देखिए अब सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक में भी इसे कट कर लेंगे तो देखिए मेन फैब्रिक भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है इस तरह से अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए अब हम इसके बॉडिस पार्ट की कटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे अस्तर से जो फैब्रिक बचा हुआ था उससे हम यहाँ पे बॉडिस पार्ट कट कर रहे हैं तो कपड़े को मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है और ये दो अलग अलग पीस लिए हुए हैं मैंने फ्रंट और बैक दोनों के लिए और देखिए यहाँ पे ये फोल्डेड वाली साइड है ये देखिए और यहाँ से ओपन साइड है और बॉडीज पार्ट की लेंथ मेरे मेजरमेंट में साढ़े तेरह इंच है इसमें मैं एक इंच का मार्जिन लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा तो यहाँ पे मैंने साढ़े चौदह इंच का ये पीस लिए हुए हैं दो फ्रंट और बैक दोनों के लिए अब हमें देखिए यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाना है तो यहाँ पे मैं ये डीप नेक बनाऊँगी तो इसलिए मैंने शोल्डर कम लिए हैं तो साढ़े पाँच इंच पे हमें यहाँ पे शोल्डर पे निशान लगाना है ये देखिए इस तरह से अब इसी निशान से नीचे को हमें यहाँ पे आम होल के लिए निशान लगाना है तो आम होल में यहाँ पर ले रही हूँ छः इंच तो हमें यहाँ पर छः इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है देखिए इस तरह से और अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है तो मेरे मेजरमेंट में राउंड चेस्ट है थर्टी टू इंच और थर्टी टू को हम चार से डिवाइड करेंगे यानी कि चार से भाग देंगे तो आएगा आठ इंच तो हमें यहाँ पे इस तरह से आठ इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आम होल से आगे को ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो जितना भी आपके मेजरमेंट में कमर आ रही है आप उसको चार से डिवाइड करें और जितना भी आए यहाँ पे उतने पे निशान लगा लें और अगर आपको यहाँ पे कमर में डार्ट्स देने हैं तो आप इस तरह से बनाएं जिस तरह से मैं बना रही हूँ तो देखिए मेरे मेजरमेंट में कमर है अट्ठाइस इंच और अट्ठाइस को हमने चार से डिवाइड किया तो आया सात इंच और सात इंच में मैं यहाँ पे डेढ़ इंच प्लस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं डेढ़ इंच की डाट दूंगी तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ साढ़े आठ इंच तो एक निशान मैं पहले सात इंच पे लगाऊंगी उसके बाद इस निशान से आगे को डेढ़ इंच पे एक निशान लगा लूँगी क्योंकि डेढ़ इंच की हम यहाँ पर डाट डालेंगे तो देखिए यहाँ पे साइड में जो डेढ़ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पे हम कमर में डाट डालेंगे डेढ़ इंच की तो ये हमारा इसी के बराबर आ जाएगा यानी कि कमर के बराबर ही आ जाएगा अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें मिला लेना है स्ट्रेट लाइन से ये देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पे नेक वर्थ के लिए निशान लगाना है तो नेक वर्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ ढाई इंच तो इस तरह से मैं ढाई इंच पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों नेक का शेप नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो मैं बुकरम में ही बनाऊंगी यानी कि फ्यूजिंग पेपर पे ही बनाऊंगी अब हमें यहाँ आमूल वाली लाइन में देखिए ऊपर से नीचे को हाफ इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ नेक वर्थ वाले पॉइंट से इस तरह से मिला लेना है ये देखिए इस तरह से अब हमें इस पॉइंट से आगे को डेढ़ इंच का मार्जिन लेना है तो यहाँ पे भी और कमर में भी हम डेढ़ इंच का निशान लगाएंगे और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मिला लेंगे देखिए अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों का आमूल शेप देना है तो यहाँ पे पहले मैंने ये बैक होल का शेप दिया हुआ है देखिए और अब हम यहाँ पर फ्रंट होल का भी शेप दे देंगे ये देखिए इस तरह से और देखिए अभी यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है तो यहाँ पे मैं साढ़े तीन इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ और अब इसी निशान से ऊपर को हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पाँच इंच तक ये देखिए इस तरह से और आपको ध्यान होगा मैंने कमर में डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे देखिए जो मैंने डेढ़ इंच पे निशान लगाया है ये मैंने डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था तो अब इस लाइन के दोनों साइड में हमें ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव इंच पे निशान लगाना है ये देखिए इस तरह से ज़ीरो पॉइंट सेवन फ़ाइव इस तरफ लगाएंगे और इस लाइन के दूसरी साइड भी हमें ज़ीरो पॉइंट सेवन फ़ाइव इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और अब इस निशान को यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पे हमारे इस तरह से हम डाट देंगे तो ये जो हमने डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लिया था ये हमारा कमर के बराबर ही आ जाएगा अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया है और यहाँ पे जो हमने फ्रंट आमूल का शेप दिया है इसे हमने अभी कट नहीं किया है तो इसे कट करने से पहले हमें इसमें से अपना बैक पार्ट निकाल लेना है देखिए इस तरह से और फ्रंट वाले पार्ट को हम इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे फ्रंट आमूल की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, है। और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है देखिए तो अब मेन फैब्रिक में भी हम इसे कट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक में भी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को चार, चार फोल्ड में रखा है दो फोल्डेड तो तो साइड है और दो ओपन साइड है देखिए तो सबसे पहले हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को एक निशान लगाना है साढ़े तीन इंच पे क्योंकि साढ़े तीन इंच तक हम यहाँ पे गैदर्स देंगे तो इस निशान से आगे को हमें साढ़े तीन इंच पे एक निशान लगाना है देखिए इस तरह से अब हम यहाँ ऊपर से नीचे को स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे तो मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है इक्कीस इंच और इक्कीस में से हम पाँच इंच माइनस कर देंगे क्योंकि पाँच इंच का हमारा कफ लगेगा नीचे से तो यहाँ पे हम पाँच इंच माइनस करेंगे इक्कीस इंच में से तो आएगा सोलह इंच और सोलह में हम एक इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा तो पूरे में सत्रह इंच पर निशान लगा के इस तरह से स्ट्रेट लाइन से इसे जॉइन कर लेना है और अब हमने इसे कट भी कर लिया है देखिए बचे हुए फैब्रिक को साइड में रख देंगे और अब हमें यहाँ पे इसमें स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है अब जिस तरह से हमने यहाँ ऊपर साढ़े तीन इंच पे एक निशान लगाया है सेम इसी तरह से यहाँ स्लीव्स के बॉटम पार्ट पे भी हमें साढ़े तीन इंच पे एक निशान लगा लेना है साढ़े तीन इंच तक ही हम इसमें गैदर्स देंगे और अब हमें स्लीव्स के लिए जो भी निशान लगाने हैं वो इन दोनों निशानों से आगे को लगाने हैं तो यहाँ ऊपर अब साढ़े तीन इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पे साढ़े छः इंच पे एक निशान लगाना है ये देखिए इस तरह से अब इस निशान से नीचे को हम एक निशान लगाएंगे तीन इंच पे और तीन इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से देखिए अब हमें इस निशान को यहाँ इस कॉर्नर से इस तरह से मिला लेना है और इसे यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है और अब हम यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे तो इस निशान से आगे को आप अपने बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएं जितना भी आपके मेज़रमेंट में बॉटम पार्ट आ रहा है आप उसका हाफ़ कर लें मेरे मेज़रमेंट में दस आ रहा था तो मैंने यहाँ पर पाँच इंच पर निशान लगाया हुआ है ये देखिए इस तरह से और अब इस निशान से हमें यहाँ पर इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पे इस लाइन को मेज़र कर लेना है देखिए यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को हम नाप लेंगे तो ये मेरे मेज़रमेंट में आ रहा है साढ़े सात इंच और साढ़े सात का हमें आधा करना है तो आएगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव इंच तो यहाँ पे हमें इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे निशान लगा लेना है देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों का आमूल का शेप दे देना है तो यहाँ पर पहले मैं बैक आमूल का शेप दे रही हूँ देखिए इस तरह से तो यहाँ पे बैक आमूल का शेप दे दिया है अब बिल्कुल मिड वाले पॉइंट से मिलाते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट आमूल का शेप देना है ये देखिए इस तरह से और अब हम यहाँ पे मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे तो इस पॉइंट से आगे को हमें एक इंच पे इस तरह से निशान लगाना है मार्जिन के लिए और यहाँ बॉटम पार्ट पे भी हम एक इंच पे निशान लगाएंगे और मार्जिन वाले को मार्जिन वाले पॉइंट से मिला लेंगे देखिए इस तरह से अब देखिए यहाँ हमने साढ़े तीन इंच पे जो निशान लगाया है गैदर्स देने के लिए यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे इससे हमें पता रहेगा कि कहाँ तक हमें इसमें गैदर्स देनी है सेम इसी तरह से हम स्लीव्स के बॉटम पार्ट पे भी एक कट लगा लेंगे देखिए साढ़े तीन इंच पर ही ये देखिए इस तरह से और अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है अब यहाँ पे जो फ्रंट आमूल है इसे कट करने के लिए हमें स्लीव्स को इस तरह से ओपन करना है ये देखिए इस तरह से और बिल्कुल मिलाते हुए हमें इसे रखना है देखिए और यहाँ पे जो हमने फ्रंट आमूल का शेप दिया है इसे हम कट कर लेंगे तो देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है और इसमें जो हम कफ लगाएंगे उसकी कटिंग हम लास्ट में करेंगे जब हम स्लीव्स को रेडी कर रहे होंगे उसी टाइम और अब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे फ्यूजिंग पेपर पे तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिए हैं ये फ्रंट के लिए है और ये वाला फ्यूजिंग पेपर बैक पार्ट के लिए है तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे तो देखिए फ्यूजिंग पेपर की जो लेंथ और व्यर्थ मैंने कितनी ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ और इसे मैंने इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है देखिए ये फोल्डेड साइड है यहाँ पर और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर ली है देखिए बारह इंच और इसकी व्यर्थ मैंने यहाँ पर ली है देखिए साढ़े छः इंच तो अब हमें यहाँ पे यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को एक निशान लगाना है नेक वर्थ के लिए तो नेक वर्थ मैंने यहाँ पे ली है ढाई इंच तो इस तरह से हम ढाई इंच पे ही एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे मैं बैक नेक की जो डीपनेस रख रही हूँ वो रख रही हूँ दस इंच तो यहाँ पे इस निशान से नीचे को हमें यहाँ बैक नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है दस इंच पे ये देखिए इस तरह से और अब इस निशान से आगे को मैं यहाँ पे टू पॉइंट सेवन फ़ाइव इंच पे निशान लगा रही हूँ अगर आपको इससे चौड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे तीन या साढ़े तीन इंच पे निशान लगा सकते हैं मैं यहाँ पे टू पॉइंट सेवन फाइव इंच पे ही निशान लगा रही हूँ और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है देखिए इस तरह से और अब इस पॉइंट को यहाँ नेकवर्थ वाले पॉइंट से मिला लेना है ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं जो भी शेप आपको नेक में चाहिए तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ देखिए इस तरह से अब इसी नेक से बिल्कुल आगे को हमें दो इंच पे एक निशान लगाना है यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरे में हम दो इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे भी हमें मिला लेना है और देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसे हमें कट कर लेना है तो देखिए यहाँ पर हम नेक की कटिंग कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे बैक नेक की कटिंग हो गई है और अब हम इसे अस्तर वाले कपड़े में पेस्ट कर लेंगे तो देखिए बैक पार्ट के नेक की कटिंग तो हो गई है अब हम फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट नेक के लिए मैंने ये पीस लिया हुआ है इसकी लेंथ और वर्थ मैं आपको बताती हूँ एक फोल्ड करके मैंने इस तरह से रखा हुआ है देखिए और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे ली है दस इंच और वर्थ मैंने यहाँ पे ली है छः इंच तो यहाँ देखिए फोल्डेड वाली साइड से आगे को इसमें भी हम पहले नेक वर्थ के लिए निशान लगाएंगे जो कि है ढाई इंच तो इस तरह से ढाई इंच पे निशान लगाना है और फ्रंट नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ सात इंच तो इस पॉइंट से इस तरह से नीचे को हमें सात इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान से आगे को हम यहाँ पे टू पॉइंट सेवन फाइव इंच पे ही निशान लगाएंगे अगर आपको इससे ज़्यादा इसमें चौड़ाई चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर टू इंच ले रही हूँ अब हमें इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है आगे को और इस पॉइंट से नेक वर्थ वाले पॉइंट को भी हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं मैं यहाँ पे नेक में इस तरह की शेप दे रही हूँ देखिए अब हमें यहाँ ये जो नेक की शेप दी है इसी शेप से आगे को हमें पूरे में दो इंच पे एक निशान लगाना है और इसे भी स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है ये देखिए इस तरह से और इसे हम इस तरह से मिलाते हुए अब हम इसके नेक की कटिंग कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे फ्रंट नेक की कटिंग भी हमने यहाँ पे कर ली है तो इसे भी हम अस्तर वाले कपड़े में पेस्ट कर लेंगे तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों नेक को मैंने इस तरह से अस्तर वाले कपड़े में पेस्ट कर दिया है अस्तर की रॉन्ग साइड से हमने इसे पेस्ट किया हुआ है देखिए और इसके मिड पॉइंट पे भी हमने यहाँ पे एक कट लगा लिया है देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें बॉडी पार्ट में किस तरह से अटैच करना है तो उससे पहले यहाँ पे हम अपने बॉडर्स पार्ट का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके अस्तर को और मेन फैब्रिक को चारों साइड से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे तो ये किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ देखिए सबसे पहले हमें अस्तर को रखना है और इसमें मैंने दोनों साइड डांट के निशान भी लगा दिए हैं ये मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड है देखिए और ये राइट साइड है तो यहाँ पे हमें अस्तर को इस तरह से रखते हुए चारों साइड में इसमें सिलाई लगा लेनी है सेम इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट को भी अटैच कर लेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर दिया है सिलाई लगा के अब हम इसमें नेक बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने ये नेक ले लिया है देखिए जो फ्रंट वाला नेक है हमारा तो यहाँ पे मैंने नेक के बिल्कुल मिड पॉइंट पे देखिए एक कट लगाया हुआ है सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक के भी बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक कट लगा लेंगे और यहाँ पे जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है ये ऊपर साइड रहेगा देखिए और कपड़े की सीधी साइड के ऊपर यहाँ पे ये कपड़े वाला साइड रहेगा देखिए इस तरह से तो इसके मिड पॉइंट से हमें यहाँ पे अपने टॉप के मिड पॉइंट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और सबसे पहले हमें एक सिलाई इसके मिड पॉइंट पे लगा लेनी है जिससे कि ये हिले ना और उसके बाद यहाँ पे नेक की शेप में ही हमें यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल फ़्यूज़िंग पेपर से मिलाते हुए तो यहाँ पे मैंने देखिए बैक नेक में सिलाई लगा दी है और इसमें मैंने दोनों साइड से ये डोरी भी अटैच करी हुई है देखिए अगर आप भी इस तरह की फैब्रिक डोरी बनाना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो ये डोरी मैंने यहाँ पे नेक में दोनों साइड से अटैच की हुई है इसमें हम लटकन बनाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अटैच किया हुआ है ऊपर से ढाई इंच पर निशान लगा के इसे हमने ढाई इंच पर इस तरह से अटैच कर दिया है दोनों साइड से ये देखिए यहाँ जो अब यहाँ पे जो हमारा नेक का शेप है इसी की शेप में मैंने सिलाई भी लगा ली है अब हमें यहाँ पे देखिए इसे कट कर, कर लेना है जो हमारा बीच वाला फैब्रिक है तो यहाँ पे हमें सिलाई से लगभग हाफ इंच की दूरी पे इस तरह से इसे पूरा कट कर लेना है देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है अब यहाँ पूरे नेक में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं जिससे हमारा जो नेक है वो इजीली टर्न हो जाए रॉन्ग साइड को Osionfish. तो इस तरह से हम पूरे में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए कट लगाने के बाद इस वाली पट्टी को हमें इस तरह से टर्न करना है और यहाँ ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रख लेनी है ध्यान रहे जो हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है इसमें हमें यहाँ ऊपर से टॉप स्टिच रखनी है तो देखिए इसमें पूरे में हमें टॉप स्टिच रख के इस तरह से इसे हम रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे तो ये हमारा ईजिली रॉन्ग साइड को टर्न हो जाएगा ये देखिए इस तरह से मैं आपको टर्न करके दिखा देती हूँ और इस तरह से टर्न करने के बाद तो इसमें हमें आयन कर लेनी है तो देखिए सेम इसी तरह से मैंने फ्रंट नेक भी रेडी कर लिया है यहाँ पे और बैक नेक भी रेडी कर लिया है और यहाँ पे जो डार्ट के निशाने ये मैंने दोनों साइड ट्रेस कर लिए थे देखिए और अब देखिए यहाँ पे रॉन्ग साइड से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा नेक में तो इसे हमें इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें भी पूरे में आयन कर लेनी है और यहाँ पे हमें डार्ट में सिलाई भी लगा लेनी है वो किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ तो देखिए इस तरह से हमें बीच वाली लाइन को इस तरह से पकड़ते हुए इसमें साइड से एक सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में इसी तरह से हमने बैक पार्ट का नेक भी बना लिया है देखिए और इसमें भी हमने डार्ट के निशान दोनों साइड लगा लिए हैं ये देखिए और नेक में हमें यहाँ पे हाफ इंच लगभग फोल्ड करके इसमें भी पूरे में आयन कर लेनी है तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और इसमें मैंने दोनों साइड डांट दे दिए हैं और इसके नेक में जो हमने पट्टी लगाई है इसे भी मैंने यहाँ रॉन्ग साइड से देखिए हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा इसे हमने इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें भी पूरे में आयन कर ली है और अब हमें यहाँ पर रॉन्ग साइड से इसमें पूरे में तुरपन कर लेनी है तो उससे पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो अब हम यहाँ पे अपने फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे देखिए और बैक पार्ट में भी हमने डार्ट्स दे दिए हैं और इसके नेक में भी हमने डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा दी है देखिए तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और शोल्डर हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे उसे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट के नेक को हमें इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे जो नेक में मैंने पट्टी लगाई है इस पट्टी को इस तरह से ओपन करना है और देखिए यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है इस सिलाई से बिल्कुल मिलाते हुए हमें फ्रंट वाले नेक को बिल्कुल मिलाते हुए रख लेना है देखिए किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ देखिए फ्रंट वाले नेक को इस तरह से पकड़ते हुए हमें बिल्कुल इस पट्टी से इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रख लेना है देखिए और जो बैक वाले पार्ट की पट्टी है इसे राइट साइड को टर्न कर लेना है ये देखिए इस तरह से और यहाँ ऊपर से इसमें सिलाई लगा लेनी है सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है किसी भी एक साइड से आपको सिलाई लगानी है और एक साइड से छोड़ देना है तो देखिए मैंने बॉडीज पार्ट के एक साइड में यहाँ पे सिलाई लगा ली है और इसके दोनों शोल्डर भी मैंने ज्वाइन कर लिए हैं और इसके पूरे नेक में भी मैंने यहाँ पे पूरे में देखिए तुरपन कर ली है अब हम बॉडीज पार्ट को बॉटम पार्ट में अटैच करेंगे तो ये किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ तो देखिए ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है इसका तो अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ कमर में एक सिलाई लगा लेनी है जिससे ये हमारा इधर उधर ना हो बिल्कुल बराबर रहे उसके बाद हम इसमें बॉर्डेस पार्ट को रखेंगे तो देखिए बॉडीज़ वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करना है और देखिए दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखनी है देखिए तो इस तरह से हम अपने बॉर्डेज़ वाले पार्ट को रखेंगे तो देखिए ये राइट साइड है बॉडीज पार्ट की और ये रॉन्ग साइड है तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है और इस तरह से रखते हुए हम पूरे में सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर दिया है देखिए और यहाँ पे ना मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ब्लर कर रहा है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करना अगर आपको कोई चीज़ समझ न आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो देखिए दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप चारों पार्ट्स को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए सिलाई भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप कमर तक एक सिलाई लगा लें और कमर से नीचे को दोनों स्तर को अलग सिलाई लगाएँ और जो मेन फैब्रिक है उसमें आप अलग सिलाई लगा लें और यहाँ पे अगर आपका घेर मेन फैब्रिक का ज़्यादा है तो आप इसी तरह से अलग अलग करके सिलाई लगाएं अस्तर की अलग और मेन फैब्रिक के अलग और यहाँ पे ना मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है लेकिन मुझे पता नहीं था जब मैंने एडिटिंग करी तब मुझे पता चला तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करना तो अब मैं आपको इसकी स्लीव्स बनाना बताती हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर ये स्लीव्स इस तरह से रखी हुई है यहाँ पर मैं आपको एक स्लीव्स को रेडी करके दिखाऊँगी तो सबसे पहले हम स्लीव्स को इस तरह से ओपन कर लेंगे देखिए ये देखिए इस तरह से और आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पे साढ़े तीन इंच पे निशान लगा के इसमें कट लगाए थे जहाँ पे हमें गैदर्स देने हैं तो यहाँ पे हम फाइव नंबर की सिलाई लगा के इसमें गैदर्स दे, दे देंगे सेम इसी तरह से हमें बॉटम पार्ट में भी एक सिलाई लगा के इसमें भी गैदर्स दे देने हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें गैदर्स दे दिए हैं अब हम यहाँ पे इसका कफ़ बनाएंगे तो कफ़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये यह एक पीस लिया हुआ है इसकी लेंथ और वर्थ मैं आपको दिखाती हूँ कितनी है तो यहाँ पे है ये साढ़े बारह इंच और यहाँ पे आ रहा है ये ग्यारह इंच जितनी भी आपकी कलाई आ रही है देखिए यहाँ पे मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ ये जितना भी आपका आ रहा है इसका हाफ लें और जितना भी आपको लूजिंग ऐड करनी है आप कर लें मैंने यहाँ पे एक इंच की लूजिंग ऐड करी है तो ग्यारह इंच हमारे यहाँ पर टोटल आ रहा है तो देखिए इसे हमें इस तरह से रख लेना है देखिए और अब हमें यहाँ पर स्लीवस को इस तरह से इसके ऊपर रखना है बिल्कुल मिलाते हुए और अब सेम इसी तरह का मैंने एक पीस और कट किया है उसे हम स्लीव्स के ऊपर रखेंगे तो देखिए ये राइट साइड है स्लीव्स की और ये रॉन्ग साइड है तो स्लीव्स के राइट साइड के ऊपर हमें इस तरह से एक पीस और रख लेना है और ये राइट साइड है इसकी ये स्लीव्स की राइट साइड है तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है और अब हम इसके ऊपर अपना अस्तर रख लेंगे जो जो हमने यहाँ पे सेम साइज़ का कट किया हुआ है तो देखिए इस तरह से हमें अस्तर को भी रख लेना है ये रॉन्ग साइड है की और ये राइट साइड है तो यहाँ पे रॉन्ग साइड ऊपर साइड रखेंगे और यहाँ पे देखिए चारों पार्ट्स को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और इसमें हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर से तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दी है अब यहाँ पे जो ऊपर के दो पार्ट हैं इसे हम इस तरह से ओपन करके रख लेंगे जो हमने स्लीव्स के ऊपर रखे थे और स्लीव्स के नीचे जो हमने एक पार्ट रखा है इसे हम उसी तरह से रहने देंगे अभी और ये जो हमारी स्लीव है इसको हमें इस तरह से तिरछा करना है और ये जो अंदर वाला फैब्रिक है देखिए इस वाले फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रखना है देखिए स्लीव्स को इसके बीच में डालते हुए इस तरह से यहाँ ऊपर यहाँ पे मिलाते हुए रखना है और इसमें एक सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है देखिए अब हमें साइड से स्लीव्स को इस तरह से निकाल लेना है इस तरह से कफ़ को जॉइन करने से हमारी कफ़ में बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ही जॉइन हो जाता है देखिए अब हमें स्लीव्स को इस तरह से ओपन करना है और एक फोल्ड इस तरह से करके इसमें साइड से सिलाई लगा लेनी है तो देखिए स्लीव्स में मैंने यहाँ पे साइड से सिलाई लगा दी है और यहाँ पे मेरी वीडियो फिर से ब्लर हो गई है तो अब हम स्लीव्स को बॉडीज़ पार्ट में अटैच कर लेंगे एक स्लीव मैंने इसमें अटैच कर दी है अब दूसरी स्लीव भी हम इसमें जॉइन कर लेंगे तो ये गाउन बनके बिल्कुल रेडी है थैंक्स फॉर वॉचिंग